Hello everyone, I am Professor N.B. Chatterjee, welcomes you all in the 45th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the various types of torques in the synchronous motor. So there are four types of torques: starting torque, running torque, pull-in torque and pull-out torque. So we have discussed about these four types of the torques in the last lecture. And also we have discussed the effect of increased load with a constant excitation for different conditions like normal excitation, under excitation and over excitation. So these two points we have covered in the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the starting of synchronous motor. The starting ja hai synchronous motor ji tyache char methods ahet itha. पहली आहे डीसी मोटर मेथड, दुसरी आहे पोनी मोटर मेथड, तिसरी आहे डॅम्पर वाइंडिंग मेथड आणि चौथी आहे स्टार्टिंग ऍज अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक आहे, किंवा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पण म्हणू शकतो आपण, ठीक आहे. या चार मेथडने आपण सिंक्रोनस मोटरला स्टार्ट करू शकतो. सो लेट सी वन बाय वन. सो फर्स्ट, बाय युझिंग अ पोनी मोटर ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्मॉल इंडक्शन मोटर. एक पोनी मोटर यूज करून किंवा एक स्मॉल इंडक्शन मोटर यूज करून आपण सिंक्रोनस मोटरला स्टार्ट करू शकतो, ठीक आहे. सो इन दिस मेथड द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज ब्रॉट टू इट सिंक्रोनस स्पीड. ये मेथड में क्या किया जाता है, जो रोटर है आपका सिंक्रोनस मोटर का उसको ब्रॉट किया जाता है सिंक्रोनस स्पीड पे और विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल इंडक्शन मोटर. एक एक्सटर्नल इंडक्शन मोटर का हेल्प लेके जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है उसको ब्रॉड किया जाता है सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है. या मेथड मध्ये काय करतो आपण, तर जे रोटर आहे सिंक्रोनस मोटरचं त्याला आपण सिंक्रोनस स्पीड पर्यंत ब्रॉड करतो. पण ते कसं करतो, तर आपण तिथं एका एक्सटर्नल इंडक्शन मोटरची मदत घेतो, ठीक आहे. त्या एक्सटर्नल इंडक्शन मोटरच्या सहाय्यानं आपण तिथल्या रोटरला सिंक्रोनस मोटरच्या ब्रॉड करतो आपण सिंक्रोनस स्पीड पर, ठीक आहे. सो दिस एक्सटर्नल मोटर इज कॉल्ड एज पोनी मोटर. त्याच एक्सटर्नल मोटरला इथं नाव दिलंय आपण पोनी मोटर, क्लिअर आहे. सो पोनी मोटर मेथड मध्ये काय सांगता येईल आणखी आपलं, सो सिन्स स्टार्टिंग मोटर शुड ओव्हरकम इनर्शिया ऑफ सिंक्रोनस मशीन. जो स्टार्टिंग मोटर है उसने क्या करना चाहिए, सिंक्रोनस मशीन का जो भी इनर्शिया है उसको ओवरकम करना चाहिए, ठीक है. सिंक्रोनस मशीन विदाउट अ लोड जो है उसका जो इनर्शिया है उसको ओवरकम करना चाहिए स्टार्टिंग मोटर ने. एंड स्टार्टिंग मोटर कैन हैव मच स्मॉलर रेटिंग. और स्टार्टिंग मोटर की आपकी रेटिंग जो है वो मच स्मॉलर होनी चाहिए, ठीक है. स्टार्टिंग मोटर ना इथल्या सिंक्रोनस मशीन विदाउट अ लोड जे आहे त्याचा जो इनर्शिया आहे त्याला ओव्हरकम केलं पाहिजे. आणि स्टार्टिंग मोटर ची जी रेटिंग आहे ती मच स्मॉलर असायला पाहिजे, ठीक आहे. सिन्स मोस्ट सिंक्रोनस मोटर्स हॅव ब्रशलेस एक्सायटेशन सिस्टीम्स माउंटेड ऑन देअर शाफ्ट. मोस्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर में हम ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टीम यूज करते हैं जो माउंट किया होता है वहां की शाफ्ट के ऊपर, ठीक है. ऑफन दीज एक्साइटर्स कैन बी यूज एज अ स्टार्टिंग मोटर्स. वही एक्साइटर्स आप स्टार्टिंग मोटर बोल के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर मध्ये आपण ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टीम जे माउंट केलेलं असतं तिथल्या शाफ्ट वरती ते ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टीम आपण मोस्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर मध्ये यूज करतो. आणि ऑफन दीज एक्साइटर्स त्याच एक्साइटर्सला आपण स्टार्टिंग मोटर म्हणून सुद्धा तिथं यूज करू शकतो. सो फॉर मेनी मीडियम साईज टू लार्ज साईज सिंक्रोनस मोटर, तिथं मीडियम किंवा मीडियम टू लार्ज साईज सिंक्रोनस मोटरसाठी अन एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर ऑर स्टार्टिंग बाय युझिंग अ एक्साइटर मे बी द ओनली पॉसिबल सोल्युशन. तिथं आपण एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर किंवा स्टार्टिंग बाय युझिंग एक्साइटर हे एकच पॉसिबल सोल्युशन असतं.
सिंक्रोनस मोटरला मीडियम साइज कडून लार्ज मीडियम साइज टू लार्ज साइज सिंक्रोनस मोटर साठी एकतर एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर किंवा स्टार्टिंग बाय युजिंग एक्साइटर हे एकच पॉसिबल सोल्यूशन असतं. ठीक आहे, तिला सिंक्रोनस स्पीड पर्यंत रोटेट करण्यासाठी. सो बिकॉज द कनेक्टेड पॉवर सिस्टीम सोर्स मे नॉट एबल टू फीड द रिक्वायर्ड स्टार्टिंग करंट फॉर अमॉर्शियर वाइंडिंग, कारण कनेक्टेड पॉवर सिस्टीमचा जो सोर्स आहे तो तिथं तेवढा एबल टू नसतो. ठीक आहे, म्हणजे तो तिथल्या स्टार्टिंग करंट जो आहे अमॉर्शियर वाइंडिंगला रिक्वायर्ड त्याला फीड करणं स्टार्टिंग करंट हा तिथं एक्सटर्नल सोर्स त्याच्यासाठी हा एबल नसतो. ठीक आहे, म्हणजे तेवढा पॉवर सिस्टीमचा जो सोर्स आहे तो तेवढा रिक्वायर्ड स्टार्टिंग करंट जो अमॉर्शियर वाइंडिंग साठी फीड करायचा असतो त्याच्यासाठी तो तिथं तेवढा कॅपेबल नसतो. ठीक आहे, आणि म्हणून आपण तिथं कोणी मोटर किंवा एखादी स्मॉल इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटरला सिंक्रोनस स्पीड वरती रोटेट करण्यासाठी तिथं यूज करतो. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज पोनी मोटर मेथड. थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने, यहाँ पे फॉर मेनी मीडियम साइज टू लार्ज सिंक्रोनस मोटर्स के लिए एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर या फिर स्टार्टिंग बाय यूजिंग एक्साइटर यही एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है ताकि हम वहां के सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर सकते हैं. इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, एक तो हम वहां पे एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर यूज करेंगे या फिर उस मोटर को एक्साइटर यूज करके उसको स्टार्ट करेंगे. यही एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने के लिए. ठीक है, क्योंकि वहां का जो कनेक्टेड पावर सिस्टम का जो सोर्स होता है वो रिक्वायर्ड स्टार्टिंग करंट होता है अमॉर्शियर वाइंडिंग के लिए या फिर डैम्पिंग वाइंडिंग के लिए, उसको फीड करने के लिए वो कनेक्टेड पावर सिस्टम का सोर्स उतना कैपेबल नहीं होता है. ठीक है, तर या मेथडला नाव दिलंय आपण पोनी मोटर मेथड. क्लियर आहे सगळ्यांना, पोनी मोटर मेथड क्लियर आहे. ठीक, नाव दुसरी आहे बाय युजिंग अ डॅम्पर वाइंडिंग. डॅम्पर वाइंडिंगला दुसरं नाव आहे अमॉर्शियर वाइंडिंग. ठीक आहे, जो मैंने अभी ये लास्ट वर्ड यहां पे बोला था अमॉर्शियर वाइंडिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॅम्पर वाइंडिंग. तो डॅम्पर वाइंडिंग यूज करके भी हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक, सो डैम्पर वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन दी पोल फेस स्लॉट्स इन द फील्ड्स. पोल फेस जे आहेत स्लॉट्स मधले. ठीक आहे, त्याच्यावरती ही डॅम्पर वाइंडिंग इथं प्रोव्हाइड केलेली असते. पोल फेस स्लॉट्स इन द फील्ड्स, त्याच्यावरती ही डॅम्पर वाइंडिंग इथं प्रोव्हाइड केलेली असते. ठीक आहे, म्हणजे पोल फेसेस जे असतात आपले, आपल्याला माहित आहे इथं सिंक्रोनस मोटर मध्ये सुद्धा स्टेटर आणि रोटर वरती पोल्स असतात. ठीक आहे, स्टेटरचे एन आणि एस पोल असतात, तसेच रोटरचे सुद्धा एन आणि एस पोल्स असतात. तर रोटरचे जे पोल फेसेस असतात, ठीक आहे, फील्ड्स मध्ये रोटर फेस स्लॉट्स जे आहेत फील्ड्स मधले, त्याच्यावरती ही डॅम्पर वाइंडिंग इथं प्रोव्हाइड केलेली असते. म्हणजे सिम्पली जे रोटरचे पोल फेसेस असतात तिथंही डॅम्पर वाइंडिंग प्रोव्हाइड केलेली असते. सो दीज वाइंडिंग आर शॉर्ट सर्किटेड ऍट बोथ एंड्स. ये वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं दोनों एंड्स को विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स. जैसे हमने स्क्विरल केज मोटर में देख बोला था कि ये वाइंडिंग स्क्विरल केज मोटर में हम एल्यूमिनियम बार्स को एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट करते हैं, वैसे हम यहाँ पे ये वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं बोथ एंड्स पे एंड रिंग्स की हेल्प लेके, दस फॉर्मिंग अ स्क्विरल केज सिस्टम. तो इससे भी आपकी स्क्विरल केज सिस्टम बनती है. ठीक है, नाउ when the three phase supply is given to the stator of a synchronous motor it will start as a three phase induction motor. jo apan three phase supply deto stator la synchronous motor cha tevha ti synchronous motor hi three phase induction motor manun idha start hote. thik hai, karan apan varthi sangitla ya windings apan short circuited karto doni end la end ring cha sahayana ani ta pasna apni squirrel cage system bante. jasa apan स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये ऍल्युमिनियम बार्स
दोन्ही एंड्सला शॉर्ट सर्किट करतो, एंड रिंग कसा आहे ना, तसंच इथं वायंडिंग आपण शॉर्ट करतो, ठीक आहे. आणि म्हणून थ्री फेज सप्लाय जेव्हा देतो आपण स्टेटरला सिंक्रोनस मोटरच्या, तेव्हा ती थ्री फेज इंडक्शन मोटर म्हणून तिथं स्टार्ट होत असते. क्लिअर आहे. मग डॅम्पर वायंडिंग काय आहे बघा, इथं हा रोटर आहे आपला रोट, ठीक आहे. या रोटरवरती हे एन आणि एस पोल्स असतील इथं, आणि हा पोल फेस असेल रोटरचा. तर इथं हे जे डॉट्स दिसत आहेत ते शॉर्टिंग बार्स असतात आपले, ठीक आहे. आणि म्हणून या पोल फेसेस मध्येच ही आपली डॅम्पर वाइंडिंग किंवा आर्मेचर वाइंडिंग तिथं प्लेस केलेली असते, ठीक आहे. सो मोस्ट पॉप्युलर मेथड इज टू एम्प्लॉय आर्मेचर और डॅम्पर वाइंडिंग. ये सबसे पॉप्युलर मेथड है आर्मेचर वाइंडिंग या फिर डॅम्पर वाइंडिंग यूज करके ये हम मोटर को सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं. तो उसकी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, ठीक है. देन आर्मेचर वाइंडिंग्स आर स्पेशल बार्स. आर्मेचर वाइंडिंग यानी क्या होते हैं, स्पेशल बार्स होते हैं. ये शॉर्टिंग बार्स यहाँ पे दिखाए हैं, लेड इनटू नॉचेस कर्व इन द फेस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर्स रोटर. सिंक्रोनस मोटर्स मोटर का जो रोटर होता है इसमें जो ये कर्व नॉचेस है, इसमें स्पेशल बार्स लेड किए होते हैं, ठीक है. ये स्पेशल बार्स में लेड किए होते हैं, ठीक है. तो उससे ही आपके आर्मेचर वाइंडिंग बनती है. सो आर्मेचर वाइंडिंग्स आर स्पेशल बार्स लेड इनटू द नॉचेस कर्व इन द फेस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रोटर एंड देन शॉर्टेड आउट ऑन ईच एंड बाय अ लार्ज शॉर्ट शॉर्टिंग रिंग पोल फेस शोर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वो जो नॉचेस कर्व है, ठीक है, उसमें स्पेशल बार्स को लेड किया है और उसको हम शॉर्टेड आउट करते हैं ईच एंड पे. ये देखो यहाँ पे शॉर्टेड आउट किए हैं ईच एंड पे ये बार्स हमने, ठीक है. वो कैसे शॉर्टेड करने हैं, बाय अ लार्ज शॉर्टिंग रिंग पोल. शॉर्टिंग रिंग पोल, लार्ज शॉर्टिंग रिंग पोल फेस यूज करके हम वो बार्स को क्या करते हैं वहां पे शॉर्टेड आउट करते हैं, ठीक है, जो कि ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया है. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सेट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डज इन अ सिंक्रोनस मोटर, एग्जामिन सेलिएंट टू पोल रोटर शोन नेक्स्ट, ठीक है. सो यहाँ पे हमें अगर अंडरस्टैंड करना है सेट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है सिंक्रोनस मोटर में, तो हमें यहाँ पे एग्जामिन करना होगा एक सेलिएंट टू पोल रोटर जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ठीक है. समझ लो, आर्मेचर वाइंडिंग अपन कशापासून बनवली, आर्मेचर वाइंडिंग या स्पेशल बार्स जे लेड केलेले आहेत अपन त्या कर्व नॉचेस मध्ये, एक कर्व नॉचेस चे जे फेस आहेत सिंक्रोनस मोटरच्या रोटरचे त्याच्यामध्ये हे स्पेशल बार्स अपन लेड केलेले आहेत आणि ते शॉर्टेड आउट करतो अपन दोन्ही एंडला कशाच्या सहाय्याने, लार्ज शॉर्टिंग रिंग पोल फेसच्या सहाय्याने. लार्ज शॉर्टिंग रिंग पोल फेसच्या सहाय्याने आपण या स्पेशल बार्सला आपण तिथं शॉर्टेड आउट केलेलं असत, ठीक आहे. मग आपल्याला जर इथं सेट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग काय करते सिंक्रोनस मोटर मध्ये हे जर अंडरस्टँड करून घ्यायचंय, तर तिथं आपल्याला एक सेलियंट टू पोल रोटर एक्झामाइन करायला लागतं जे इथं डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे आपल्याला, ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज डॅम्पर वाइंडिंग मेथड, यालाच म्हणतो आपण डॅम्पर वाइंडिंग मेथड, ठीक आहे. क्लिअर आहे. नाउ थर्ड मेथड आहे बाय युजिंग डीसी मोटर मेथड, ठीक आहे. सो इन दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर इज ब्रॉट टू इट्स सिंक्रोनस स्पीड विथ द हेल्प ऑफ अ डीसी मोटर कपल टू इट, ठीक आहे. या मेथड मध्ये सिंक्रोनस मोटरला आपण ब्रॉट करतो सिंक्रोनस स्पीड वरती, कशाच्या सहाय्याने ब्रॉट करतो आपण, एक डीसी मोटर कपल करतो आपण सिंक्रोनस मोटरला आणि मग त्या सिंक्रोनस मोटरला आपण सिंक्रोनस स्पीड वरती ब्रॉट करतो, ठीक है. समझ में आया. तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है बाय यूजिंग डीसी मोटर. सो ये जो मेथड है स्टार्टिंग की, इसमें हम क्या करते हैं सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे ब्रॉट करते हैं. कैसे ब्रॉट करते हैं, तो हमें वहां पे डीसी मोटर कपल करनी होती है सिंक्रोनस मोटर के साथ और उसके हेल्प से हम सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे
ब्लॉक करते हैं। सो वंस द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर अटेन्स सिंक्रोनस स्पीड, एक बार अगर आपका रोटर जो है सिंक्रोनस मोटर का वो उसने वहां की सिंक्रोनस स्पीड को अटेन किया, देन द डीसी एक्साइटेशन टू द रोटर इज स्विच ऑन। तब वहां का जो डीसी एक्साइटेशन दिया होगा अपने रोटर को वो वहां पे स्विच ऑन होता है। ठीक है, एकदा का जर तुमच्या रोटरनं सिंक्रोनस मोटरच्या सिंक्रोनस स्पीड अटेन केली तेव्हा तिथलं जे डीसी एक्साइटेशन दिलेलं आहे रोटरला ते आपलं स्विच ऑन होतं। ठीक आहे, सो डीसी मोटर मेथड मध्ये काय सांगितलं आपण, अटॅचिंग एन एक्सटर्नल मोटर टू इट टू ब्रिंग सिंक्रोनस मशीन अप टू फुल स्पीड। ठीक आहे, सिंक्रोनस मशीनला आपल्याला फुल स्पीड वरती ब्रिंग करण्यासाठी आपण तिथे एक एक्सटर्नल मोटर तिथं अटॅच केलेली, देन एक्सटर्नल मोटर म्हणजे आपली डीसी मोटर। सो देन सिंक्रोनस मशीन इज पॅरलल विथ इट्स पॉवर सिस्टम एज अ जनरेटर। देन वहां पे हम सिंक्रोनस मशीन को पैरेलल करते हैं वहां के पावर सिस्टम से एज अ जनरेटर बोल के। नाउ स्टार्टिंग मोटर कैन बी डिटैच फ्रॉम मशीन शाफ्ट। स्टार्टिंग मोटर को हम डिटैच करते हैं मशीन शाफ्ट से एंड इट्स स्लो डाउन मशीन चेंज इट्स मोड टू बी अ मोटर। वो बाद में स्लो डाउन होती है मशीन और वो उसका मोड जो है वो चेंज करती है मोटर मोटर में। ठीक है, मशीन चेंज इट्स मोड टू बी मोटर। ठीक है, वो मोटर बोल के वहां पे उसका मोड चेंज करती है। ठीक है, स्टार्टिंग मोटरला आपल्याला नंतर काय करायचं आहे, डिटॅच करायचंय मशीन शॉफ्ट पासन आणि नंतर त्याची स्पीड तिथं स्लो डाऊन होणार आहे मशीनची आणि मशीन काय करेल मग त्याचा मोड चेंज करेल आणि ती एक मोड चेंज करून ती एक मोटर म्हणून तिथं वर्क करेल। ठीक आहे, सो वन्स पॅरलिंग कंप्लीटेड सिंक्रोनस मोटर कॅन बी लोडेड डाऊन इन एन ऑर्डिनरी फॅशन। एक बार अगर आपकी वहां पे पैरेललिंग कंप्लीट हो गई तो सिंक्रोनस मोटर को हम लोडेड डाउन कर सकते हैं ऑर्डिनरी फैशन। ठीक है, एकदा का पैरेललिंग कंप्लीट झाली अपनी की सिंक्रोनस मोटरला आपण लोडेड डाउन करतो ऑर्डिनरी फैशन। ठीक है, सो दिस इज थर्ड मेथड। सो बाय यूजिंग दिस डीसी मोटर मेथड वी कैन इजिली स्टार्ट दिस सिंक्रोनस मोटर। एंड लास्ट मेथड दैट इज स्टार्टिंग as an induction motor. So synchronous motor is started as a squirrel cage induction motor. Synchronous motor को हम start कर सकते हैं squirrel cage induction motor बोलते हैं। So when the synchronous motor is started as a slip ring induction motor, जब हम synchronous motor को start करते हैं slip ring induction motor बोल के, then the three ends of the windings are connected to an external resistance in series through the slip ring. तब जो three ends होते हैं आपके windings के उसको हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होता है उसके स्लिप रिंग के थ्रू, जैसे हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया था। ठीक है, जर आपल्याला सिंक्रोनस मोटरला स्टार्ट करायचे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर म्हणून, तर जे तीन एंड्स असतील वाइंडिंगचे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज मध्ये स्लिप रिंगच्या सहाय्याने तिथं कनेक्ट करायचं आहे। ठीक आहे, तेव्हाच आपण त्याला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर म्हणून तिथं यूज करणार। आपण इथं सिंक्रोनस मोटरला स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एज वेल एज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर अशा दोन्ही मोटर म्हणून यूज करू शकतो किंवा स्टार्ट करू शकतो। ठीक आहे, सो स्टार्टिंग एज अ स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, अगर सिंक्रोनस मोटर को आपको स्टार्ट करना है स्लिपिंग इंडक्शन मोटर बोल के तो क्या करना होगा। सो डैम्पर वाइंडिंग मेथड ऑफ स्टार्टिंग डजंट प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डैम्पर वाइंडिंग मेथड जो हमने यूज की है स्टार्टिंग के लिए वो वहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड नहीं करती है। सो टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द डैम्पर वाइंडिंग, वहां पे अगर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग को शॉर्टेड आउट करने से बेहतर अगर आपको वहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है then designed a three phase star winding। ठीक है, वहां पे आपको एक three phase star winding को design करना होगा and end brought to a slip ring, उसका end को brought करना होगा slip ring को। ठीक है, so external rheostat connected in series with the rotor setting, और उसमें आपको external rheostat connect करना होगा rotor के rotor circuit के series। ठीक है, जर तुम्हाला
हाय स्टार्टिंग टॉर्क जर पाहिजे असेल इन्स्टेड ऑफ तिथं शॉर्टिंग करण्याच्या ऐवजी डॅम्पर वाइंडिंगच्या, तर तुम्हाला तिथे एक थ्री फेज स्टार वाइंडिंग तिथे डिझाईन करायला लागेल आणि त्याचं एंड ब्रॉड करावं लागेल तुम्हाला स्लिप रिंगला. आणि तिथं आपण एक्सटर्नल रिमोस्टॅट कनेक्ट करणार आहे सिरीज मध्ये रोटर सर्किटच्या. ठीक, अशा प्रकारे आपण तिथल्या सिंक्रोनस मोटरला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर म्हणून स्टार्ट करू शकतो. ठीक आहे, सो दीज आर दी फोर मेथड्स. बाय युझिंग दीज फोर मेथड्स वी कॅन इझिली स्टार्ट दी सिंक्रोनस मोटर. ठीक आहे, तो ये तीनों मेथड में अगर आपको किसको डाउट है, किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.